यदि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स आपका पेट हमेशा फूला फूला रहता है, आप कुछ भी खा लेते हैं उसके बाद आपका पेट फूला रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत असरदार दवा है जिसको लेने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा है जिसको लेने से आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उस दवा का नाम है नक्स वोमिका। बहुत असरदार दवा है, और जिन भी पेशेंट को हम नक्स वोमिका देते हैं, आप यकीन मानिए उनकी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्द से ठीक हो जाती है। अगर आपको हमेशा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है, या आपका ऐसा काम है कि आप बाहर का खाना खाते हैं या पार्टी में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो आप अपने घर में नक्स वोमिका इमरजेंसी के तौर पे ज़रूर रखें। अगर आप इसे इमरजेंसी के तौर पे रखते हैं, तो जब भी आपको इसकी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप पार्टी में रात में गए और सुबह आपको बहुत ज़्यादा पेट में भारीपन सा लगता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मिदली आती हैं, तो आप नक्स वोमिका की 1 से 2 डोज ले लीजिए, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन सही नहीं रहता, आप कुछ भी ऑयली स्पाइसी खा लेते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आने लगती है, पेट में दर्द, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन सा लगता है, इवन इतना ज़्यादा आपको पेट में दर्द होता है कि आप टाइट कोई कपड़ा नहीं पहन पाते, इवन बेल्ट तक नहीं लगा पाते, ऑयली स्पाइसी फूड खा लिया हो, अल्कोहल ज़्यादा आपने ले ली हो पार्टी में, या टी कॉफ़ी आपने ज़्यादा ले लिया जिसके बाद आपके पेट में गैस बनने लगी, गैस इतनी ज़्यादा है कि आपको पेट को टच करने पे भी दर्द हो रहा है, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ, हैवीनेस सा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वॉमिटिंग कर दें, इवन वॉमिटिंग करने के बाद थोड़ा सा आपको अच्छा भी फील होता है, आपको मींस इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी भूख लगती है लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं तो आप नक्स वोमिका ज़रूर लें। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खा लिया तो आपका डाइजेशन भी ख़राब हुआ और साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई। कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि सुबह मोशन के लिए जाते हैं, उनका पेट भी साफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उन्हें फील होता है कि उन्हें मोशन के लिए जाना है, मीन्स बार बार उन्हें मोशन भी आने लगती है, वो सेटिस्फाई तो हो जाते हैं मोशन जाके, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कि अभी कुछ बचा हुआ है पेट में, उसे बाहर निकालने जाना है, इस तरह के आपको लक्षण आ रहे हैं, आपने पार्टी के बाद या ड्रिंक ज़्यादा करने के बाद इस तरह के आपको लक्षण आ रहे हैं, तो आप नक्स वोमिका ज़रूर लें। पेट में गैस, पेट में बहुत ज़्यादा फूला फूला होना, पेट बहुत ज़्यादा जकड़ा सा हुआ होना, पेट में दर्द होना, या आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस के साथ साथ वॉमिटिंग जैसा फील होना, मितली आना, इस तरह की अगर आपको फीलिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने बहुत सी एलोपैथिक दवाएं ट्राई कर ली है लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी होम्योपैथिक की नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में ज़रूर लें। सबसे अच्छी बात नक्स वोमिका की ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये 1 से 2 डोज लेने पे ही आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कि नक्स वोमिका को आपको किस तरह लेना है। देखिए, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में आपको लेना है दिन में 2 बार, सुबह और रात में सोने से पहले। नक्स वोमिका जो होम्योपैथिक दवा है, ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या आपके नियर में कोई होम्योपैथिक शॉप हो वहाँ पे भी इजीली मिल जाएगी, बहुत पॉपुलर दवा है। तो यदि आप भी पेट में दर्द, गैस या गले में जलन, बहुत ज़्यादा एसिडिटी या मितली का आना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान है, तो आप हमारी होम्योपैथिक की नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में ज़रूर लें।
और इसे अपने घर में इमरजेंसी के तौर में भी जरूर रखें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।